पता जो परमेश्वर ने वायदे हमें किए हमारे साथ 2014 के लिए, उसके लिए अब मुझे प्रार्थना की जरूरत है कि परमेश्वर को ये याद करवाया जाए कि परमेश्वर ने हमारे साथ क्या क्या वायदे किए। कितनों को समझ आ रही? अगर परमेश्वर ने कहा था एलिया बारिश बंद होगी, बारिश नहीं आएगी, तो बाइबल में लिखा उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, परमेश्वर बारिश नहीं आनी चाहिए। अगर परमेश्वर ने बोल दिया कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, लेकिन आपका रोल यह है कि परमेश्वर को याद करवाना कि परमेश्वर आप ही के वचन में लिखा हुआ है कि आपके कोड़े खाने से मैंने चंगाई पाई तो मैं बीमार क्यों हूं, मुझे आप छुए और चंगा करें, मैं गरीब क्यों हूं, मुझे आप छुए और गरीबी के शराब से आजाद करें। आमीन। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने एलिया को बोला एलिया अब बारिश आएगी, लिखा एलिया घुटनों के बीच सिर दे के प्रार्थना करना शुरू कर गया और अपने सेवक को भेजा और पूछा कि जा देख क्या तुझे कोई बादल नजर आ रहा है। लिखा उसका सेवक क्या कहता, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कहता सात बार जा। सात बार का मतलब सोमवार जा, मंगलवार जा, बुधवार जा, वीरवार जा, शुक्रवार जा, शनिवार जा। अगर तभी भी तुझे जवाब नहीं आ रहा तो संडे जा, अगर संडे तो फिर मंडे जा। उसने कहा हाँ मुझे नजर आया एक मुट्ठी भर बादल दूर से दिख रहा है। उसने कहा मुट्ठी भर बादल एक बड़े चेंज की निशानी है। मैं जानता हूं परमेश्वर से लेना आसान नहीं है, उसके रास्तों में चलना आसान नहीं। यीशु ने कहा मेरा रास्ता तंग है, मेरा रास्ता संकरा है और थोड़े लोग होंगे जो उसे पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वायदों को अपनी जिंदगी में पूरा होता देखने के लिए आपको गहरे विश्वास की जरूरत है। ऐसे लोग जब गवाहियां देते थे बहने भाई लेकिन मेरी जिंदगी में काम नहीं होता था और मैं आपकी जगह बैठा था वहां पे, तभी भी मेरे मन में यह होता कि मैंने विश्वास के साथ परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा होते देखना है। हालेलुया। आज जिस बात के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, या तो एक क्रिश्चियन अपने साइलेंट टाइम में पाप में जाता है और या तो एक मसीही जब बढ़ जाता है तब तो पाप में गिरता है। यूसुफ जानता था कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मेरी जिंदगी में कभी भी पूरी नहीं होंगी अगर मैंने पोतीपर की पत्नी के साथ पाप किया, अगर मेरा ध्यान एक मिनट के लिए भी परमेश्वर के वचनों से हटा। एरोप्लेन चलाने वाले पायलट को पूछोगे कितने मिनट तेरा ध्यान हटेगी एक्सीडेंट हो, कुछ सेकंड। बाइक पे 100 की स्पीड पे जाओ कितने सेकंड ध्यान हटेगी, बाइक गिरे हो तुम भी गिरो, कुछ सेकंड। जितनों का ध्यान परमेश्वर के वचन पे है और जितने चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन और उसका वायदा मेरी जिंदगी में पूरा हो, वो एक पल के लिए भी अपना ध्यान परमेश्वर के वचन से हटाते नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरा रास्ता तंग है क्योंकि मेरे रास्ते पे चलते चलते तुम्हारा लोग विरोध करेंगे, तुम्हारे अपराध तुम्हारा विरोध करेंगे, ऐसी बातें तुम्हारे साथ होंगी कि तुम्हें क्विट करना पड़े, तुम्हें बस करना पड़े, तुम्हें रुकना पड़े, लेकिन वही जो आगे बढ़ेगा मेरी प्रतिज्ञाओं का, मेरे वायदों का जो मैंने किए हैं उनका वारिस होगा और पूरा होते अपनी जिंदगी में देखेगा। आमीन। अब यूसुफ जानता था कि अगर मैंने वायदे को पूरा होता देखना है तो मेरा ध्यान हमेशा वचन पे लगा रहना चाहिए। दूसरा शमूएल 12 उसकी 7 आयत पे लिखा हुआ कि जब दाऊद ने पाप किया बेतशेबा के साथ, नतान नबी को परमेश्वर ने कहा कि जा और उसे बता उसने गुनाह किया, और जा और उसे बता कि उसने ऐसा भारी गुनाह किया जिसके कारण अब मैं एक फैसला लेने वाला हूं। अगर आपको ये नहीं पता कि परमेश्वर के दिल में आपके लिए क्या है, हमेशा शैतान आपको धोखा देगा। अपने पड़ोसी को बोलो अगर तू नहीं जानता कि परमेश्वर के दिल में तेरे लिए क्या है तो शैतान तुझे धोखा देगा। अगर आपको ये नहीं पता कि परमेश्वर के दिल में आपके लिए क्या है तो शैतान आपको धोखा देने वाला है। बहुत थोड़े क्रिश्चियन, थोड़े मसीही हैं जिनको यह पता है कि परमेश्वर के दिल में उनके लिए क्या है, क्योंकि जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता आपके दिल में हमेशा क्या आता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, या वो आपकी सुनता नहीं, या परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन जितने मसीही लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर के दिल में मेरे लिए क्या है, वो कभी भी गिरते नहीं। उनके वातावरण, उनकी परिस्थितियां, उनकी बीमारी, उनकी गरीबी, उनका माहौल कुछ भी कहे, लेकिन वो एक बात जानते हैं कि परमेश्वर का वचन गिरता नहीं और परमेश्वर की योजनाएं और उसकी कल्पनाएं मेरे विषय में भारी हैं और बड़ी हैं और अच्छी हैं। आमीन। अगर
अगर यूसुफ के दिल में ही परमेश्वर की बात ना होती और अगर वो देख ना पाता, आपको पता है यूसुफ ने क्यों कहा था कि जब तुम जाना, अपने वंश को बोला था कि जब तुम यहां से जाना, जब परमेश्वर तुम्हें आजाद करेगा, मेरी हड्डियों को साथ ले जाना। कितनों ने पढ़ा हुआ है? यूसुफ ने कहा था मेरी हड्डियों को साथ लेके जाना, मेरी हड्डियों को यहां मत छोड़ना, जब परमेश्वर तुम्हें सालों बाद यहां से आजाद करे तो मेरी हड्डियों को साथ लेके जाना। यूसुफ जानता था, वो भविष्य दत्ता की आंखों वाला व्यक्ति था। अगर आप नए नियम में पढ़ें तो नए नियम में लिखा हुआ है जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। और देखो का मतलब यूनानी भाषा में है अपनी आंख से नहीं बल्कि भविष्य दत्ता की आंख से देखना, यानी आत्मिक आंखों से देखना कि सब बातें नई हो गई। और यूसुफ ने अपनी आत्मिक आंखों से सब कुछ देखा था कि मैं चाहे एक घर में पोछे लगा रहा हूं, झाड़ू मार रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, दुखी हूं, मेरे भाइयों ने मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया, फेंक दिया, लेकिन मैं अपनी आत्मिक आंखों से देख रहा हूं कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए बड़ी है। आमीन। उस बात ने उसे गिरने नहीं दिया। और बाइबल में लिखे हैं जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे साथ हो। यूसुफ का विश्वास था कि मैं नहीं गिरूंगा, परमेश्वर की योजना भली है। तो क्या हुआ उसके साथ? भला हुआ। जैसा आपका विश्वास है आज वैसा आपके साथ हो। अगर आप विश्वास करते हैं कि मेरी इस प्रॉब्लम से निकलना परमेश्वर की खास प्लानिंग का एक मकसद है, तो जैसा आपका विश्वास हो वैसा आपके साथ हो यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ एक भविष्य दत्ता की आंख वाला व्यक्ति था। वो जानता था कि एक दिन परमेश्वर यीशु मसीह धरती पे आएंगे और मुर्दों में से जी उठेंगे। जब वो जी उठेंगे उनके साथ मैं जी उठूंगा, और जब लोग यीशु मसीह के जी उठने पे जी उठे थे उनमें यूसुफ भी था। कितनों को समझ आ रही है? लिखा जब यीशु मसीह जी उठे थे बहुत से लोग थे जी उठे थे यरूशलम। प्रॉफेट आई को परमेश्वर की भविष्य दत्ता की आत्मिक आई को अपने पास रखना सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। हालेलुया। दाऊद आत्मा में जानता था कि मसीह आएंगे, यूसुफ आत्मा में जानता था कि परमेश्वर आएंगे। वो आराधना करने वाले आत्मिक व्यक्ति थे जिनके पास भविष्य दत्ताओं की आंखें थी। इसीलिए परमेश्वर ने 12 साल के लहू बहने वाली स्त्री को बोला था, बाइबल के अनुसार वो स्त्री अशुद्ध औरत थी और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी औरत को वो छू नहीं सकती थी, लेकिन उसने परमेश्वर के उस लटकते हुए फीते को छुआ, उसके कपड़े को, और परमेश्वर ने कहा मुझे किसने छुआ। वो लेडी आगे आना नहीं चाहती थी, वो अशुद्ध थी। अगर लोगों को पता चल जाता कि अशुद्ध औरत ने यहूदी को छुआ तो उसे पत्थरवा करके वही वो मार देते। लेकिन जब वो औरत ने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मैं हूं जिसने तुझे छुआ और मुझे ये प्रॉब्लम कि मैं एक अशुद्ध औरत हूं, परमेश्वर ने कहा जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे साथ हो। आमीन। अगर आपको पता है परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए भली हैं, तो आपका रोल क्या है? बाइबल में लिखा परमेश्वर ने जो दाऊद को बात बोली, मैं लगातार दो हफ्तों दो मीटिंग से बता रहा हूं, पिछले बुधवार और वीरवार से, उस बात को सबसे ज्यादा मुझे हिलाती है वो बात। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने नातान नबी को बोला कि दाऊद को बता कि मैंने तुझे शाऊल का घराना दिया, मैंने शाऊल का भवन दिया, मैंने तुझे सभी आशीषें दी, तुझे यहूदा का और इसराइल का घराना दिया, तुझे राजा बनाया, और अगर ये थोड़ा था मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, लेकिन तूने बैतशेबा के साथ पाप करके मुझे रोक दिया कि मैं तुझे और आशीषें दूं। 90% मसीही इस लाइन से निकलते हैं। वो नहीं जानते कि उन्होंने क्या गवाया पाप करके। कितनों को समझ आ रही? बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा कि अगर तू ये पाप ना करता तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, लेकिन अब वह मैं वो तुझे नहीं दूंगा। कितनों को समझ आ रही? दाऊद कभी नहीं जान पाया कि उसने क्या गवाया परमेश्वर से। परमेश्वर ने अपना दिल नतान नबी को बताया कि अगर दाऊद पाप ना करता और इसी तरह बना रहता अपनी सेवकाई में तो मैं इसे बहुत कुछ और देने वाला था, लेकिन अब मैं इसे नहीं दूंगा। जिस तरह उसने बैतशेबा के पति को गलत तरीके से मरवा के उसे अपनी पत्नी कर लिया, उसी तरह जिस तलवार से उसने मरवाया वही तलवार उसके घराने से, दाऊद के घराने से अब कभी दूर नहीं होगी।
और बाइबल बताती दाऊद का अपना घराना उसका विरोधी हुआ और उसके जीवन में मुसीबतें आईं जब तक उस पाप का पूरा पश्चाताप नहीं हुआ और जब तक उसने परमेश्वर के सामने सभी पाप की सजा को भोग के माफी लेके फिर से वो खड़ा नहीं हुआ। कितनों को समझ आ रही है? जब एक मसीही व्यक्ति पाप कब करता है, जब वो अविश्वास में आ जाते हैं, जब वो अविश्वास कहीं ना कहीं शैतान अविश्वास का बीज जब उसके हृदय में बो देते हैं, और जैसे जैसे अविश्वास का बीज जो हृदय में बोया जाता है उसमें पानी लगता है और वो बड़ा होता 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 एक दिन पाप का रूप धारण कर जाता है। और जब इंसान पाप करता है तो परमेश्वर से बोलते हैं जैसा अब तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। क्योंकि इंसान पाप तब करते जब उसे यह पता चल जाता है कि अब शायद मेरी चंगाई नहीं होगी, अब शायद मुझे गरीबी से आजादी नहीं मिलेगी, अब शायद मेरे कर्जे से आजादी मुझे नहीं मिलेगी। वो बीज जो छोटा सा शैतान उसके हृदय में बो के जाता है धीरे धीरे बड़ा होकर वो पाप का रूप धारण कर जाता है। और तब पाप करना एक अविश्वास के बराबर है, क्योंकि वो पाप एक ऐसे अविश्वास का रिजल्ट है जो ये बता रहा है कि हमें परमेश्वर की व्यवस्थाओं पे और उसकी प्रतिज्ञाओं पे और उसकी टाइमिंग पे भरोसा नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो उसका वचन सीरियसली लो, ऑन टाइम, टाइम पर परमेश्वर तुझे सीरियसली लेंगे। आमेन। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को सीरियसली लिया है, दुखी टाइम में भी ऑन टाइम परमेश्वर आपको सीरियसली लेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो आपकी सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। आमीन। ये आपका फैसला है, पर्सनल फैसला। आज मैं प्रचार करने के लिए यहां पे नहीं आया हूं, मैं सिर्फ प्रेयर पे था। आज मैं आप पे अकेले अकेले पे हाथ रख के प्रार्थना करूंगा आज भी। आमीन। और अगले संडे भी मुझे लगातार परमेश्वर ने आपके हाथ रखने के लिए बोला, और अकेले अकेले पे ऐसे लोग परमेश्वर मुझे दिखा रहा है जो आते हैं और ये सोच के चले जाते हैं कि कईयों के जीवन में वो विश्वास है कि मुझ पर प्रार्थना हो गई है, लेकिन कईयों के जीवन में वो शैतान की चाल भी है कि वो हाथ रख के प्रार्थना नहीं करवा पाती। तो कोई नहीं बचेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है वचन? यीशु मसीह ने एक सिंपल बात बोली। यीशु मसीह ने कहा जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ के अकेला नहीं हो जाता और मर नहीं जाता वो फल नहीं लेके आता। जब गेहूं का दाना भूमि में पड़ता है और अकेला रहता है और मर जाता है, लिखा वो बहुत सारा फल लेके आता है। जब तक आप अकेले नहीं होंगे और मरेंगे नहीं, इसका मतलब ये है जब तक आपकी आंखें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पे पूर्णता और संपूर्णता लगेगी नहीं, आप फल कभी नहीं लेके आ सकते। यूसुफ की आंखें सिर्फ परमेश्वर के वचन और उसके वायदों पे लगी थी, और उसका मतलब ये था कि यूसुफ का मतलब ये था कि परमेश्वर का वायदा परमेश्वर से बड़ा नहीं है। मैं आपको समझाता हूं ये बात क्लियरली कैसे। अपने पड़ोसी को बताओ कि परमेश्वर का दर्शन जो तुझे हुआ वो तुझसे बड़ा है और प्रभु से छोटा। आमीन। अगर परमेश्वर का दर्शन यूसुफ के दिल में था, अगर वो यूसुफ से बड़ा था तभी उसने कोई गुनाह नहीं किया, तभी उसने निराशा में आके कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जो परमेश्वर को नापसंद होता। उसने परमेश्वर को बताया कि परमेश्वर जो मैंने देखा ओके नो प्रॉब्लम, वो पूरा हो या ना हो तो मेरा परमेश्वर है। जो तूने मुझे दिखाया वो पूरा हो या ना हो, मैं तेरी आराधना करना छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझसे प्रार्थना करना छोड़ूंगा नहीं। जब तक एक मानसिकता परमेश्वर के लोगों की पूरी तरह से सेट नहीं हो जाती, परमेश्वर से उन आशीषों को लेना एक मुश्किल काम है आपके लिए। जिन जिन लोगों को आप परमेश्वर के वचन में बड़े लोग देखेंगे, बड़े विश्वास के स्तंभ देखेंगे, उन्होंने बाइबल में लिखा अविश्वास नहीं विश्वासी, विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। विश्वास में दृढ़ तब नहीं हो सकते आप जब आपके सभी काम हो रहे हैं, तब तो सब कुछ दिख रहा है, विश्वास करने की जगह कहां है। जब कुछ ना हो रहा और तभी भी विश्वास करके बैठे रहना और अपनी पवित्रता और धार्मिकता पे खड़े रहना, तब आप सिद्ध करते कि आप उसकी संतान है, फिर ऑन टाइम परमेश्वर आपको सीरियसली लेने वाले हैं। आमीन।
आपका दर्शन परमेश्वर की चंगाई का वायदा आपसे बड़ा है, लेकिन परमेश्वर से बड़ा नहीं है। वो चंगा करे या ना करे वो हमारा परमेश्वर है, आशीषित करे या ना करे वो हमारा परमेश्वर है। जिस वायदे से परमेश्वर ने मुझे अपने पास बुलाया, मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आप जल्दी अपनी डेस्टिनी को देखेंगे अपनी आंखों से यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी ये मानसिकता है तो परमेश्वर आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दिखाने वाले हैं। आज सुबह परमेश्वर ने एक ही शब्द मुझसे कहा कि इस अपनी फैमिली से बोल, अपनी चर्च से बोल, इस कलीसिया जो मेरी है उसे बोल कि तुम रॉयल फैमिली के हो, और ये बात पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी जेब में चाहे एक रुपया भी ना हो, ऐसे इतने गरीब भाई भी या बहने बैठी हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर वो देख सकता है जो आप नहीं देख सकते, परमेश्वर वो देख सकता है जो आप नहीं देख सकते। जब लोग मुझे बोलते थे कि एक दिन तू ऐसे इस्तेमाल होगा, ऐसे दुनिया में, पूरी दुनिया में ये होगा वो होगा, मुझे कुछ भी यकीन नहीं होता था, लेकिन मैं आमीन कहना नहीं भूलता था। मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं देता था ना, मुझे लगता था कि ऐसा हो, मुझे लगता था कि शायद ये लोग, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और एक्साइटेड रहता हूं ज्यादा प्रभु के लिए और पवित्र टाइम में जीता हूं, तो शायद ये लोग मुझे दिलासा देने के लिए पास्टर लोग मुझे बोलते हैं कि प्रभु तुझे बहुत ऊंचा लेके जाएंगे। आपकी आंख को विश्वास हो या ना हो, आपका दिमाग विश्वास करे या ना करे, अगर आप लगातार प्रभु की हजूरी में है, आंखें परमेश्वर के वचन पे लगी हैं और मानसिकता इस चीज पे लगी है, वो ब्लेस करे या ना करे वो मेरा परमेश्वर है। आशीष देखने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। फिर हमारा युद्ध का स्थान हमारा मन है। परमेश्वर के वचन में लिखा सत्य से अपनी कमर कस, पतरस ने लिखा कि अपनी अपनी बुद्धि की कमर कस। हमारी कमर ये नहीं है मसीह में, यहां है बुद्धि दिमाग हमारी कमर है। लिखा इसको कस, किस तरह से, सत्य से। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। सबसे पहले परमेश्वर का वचन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि जो तुमने पढ़ा जो तुमने सुना वो तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए, ताकि उचित टाइम पे, राइट टाइम पे, ठीक समय पे, जब शैतान तुम्हें भरमाने के लिए आए, तुम्हें पता हो कि तुमने क्या सुना था और तुम्हें पता हो तुमने कौन सी दुहाई सुनी थी और परमेश्वर का वचन इस विषय में तुम्हारी जिंदगी के लिए क्या कहता है। आमीन। जब यहां वचन नहीं है तो आपको कुछ नहीं पता। अज्ञानता से लोग नाश होते हैं, शैतान नाश नहीं करता। शैतान के पास आज पावर नहीं है कि परमेश्वर की कलीसिया को वो नाश कर पाए। केवल वही कलीसिया, वही लोग नाश होते हैं जिनके पास आत्मिक वो जो बुद्धि की कमर है उन्होंने कसी नहीं हुई, उनके दिमाग में परमेश्वर का वचन नहीं है। जो शैतान में बोलते हैं वो उसी बात पे अपने आप को रखते हैं हमेशा। जिन लोगों को दुष्ट आत्मा है, अगर शैतान उनसे बात करता है कि मैं अभी भी तेरे अंदर हूं, मैं अभी भी तेरे अंदर हूं, देख मैं तेरे अंदर हूं, देख तेरा सिर फाड़ लिया, देख तेरा पेट फाड़ लिया, उनको ऐसा लगता है हाँ शैतान अभी भी मेरे अंदर है। क्योंकि आपको यह नहीं पता कि आप मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। आपको यह नहीं पता कि आप सर्वशक्तिमान की संतान हैं और परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में बसते हैं अगर आपकी बॉडी पवित्रता में है। आपको यह नहीं पता कि आपके हाथ परमेश्वर के हाथ और आपकी आंखें परमेश्वर की आंखें हैं अगर वो परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित है। तो शैतान कहां से आया? उसके आने का कोई भी स्थान बचता नहीं है। पिता मार लेता लेकिन मारने नहीं देता, मां मार लेती लेकिन मारने नहीं देती। हमारा जीना उठना मरना और घायल होना और पट्टी बांधना सब यहोवा की ओर से है, शैतान की ओर से नहीं। शैतान हमें नहीं मारता, हमें यहोवा मारता और वही चिल्लाता और वही घायल करता और वही पट्टी बांधता, बाइबल में लिखा हुआ। परमेश्वर आपको आशीष दे सबको।